अब हम लोग जाने वाले हैं गुप्त काशी। नीचे का व्यू देखो भाई साहब, टॉपर खड़ा हुआ है यहाँ पे। इसके पंखे लगा ले क्या, पर बाजूगा उड़ने लगेगी। कैसे कैसे ख्याल आते हैं मुझे, जो बच्चे होते हैं ना जो सोचते हैं कि क्लासरूम का पंखा घूम रहा है तो किसी पे गिर गया तो क्या होगा, वो मैं ही हूँ। मैंने सोचा राइडिंग जैकेट वगैरह पहन के निकलो, लेकिन मेरा डिसीजन शायद गलत था, थोड़ा सा टफ हो रहा है। अब जो गाय के मुंह से गिर रही हैं वो गंगा जी हैं और ये यमुना जी हैं। इस मंदिर का नाम काशी विश्वनाथ मंदिर है। काफी क्लोज कॉल है वहाँ पे। ये है हैवी ड्राइवर। हेलो व्हाट्स अप एवरीवन, दिस इज मैजिशियन एडी, लौट आए अपने नए व्लॉग के साथ। सो कैसे हो आप लोग? अभी फिलहाल हम लोगों ने चेक इन किया है केदार वैली रिजॉर्ट में। आप लोग पीछे देख पा रहे हो, काफी ज्यादा खूबसूरत बना हुआ है, पूरा माउंटेन्स के बीच में, पर्वतों की गोद में अपन बैठे हैं और काफी खूबसूरत नजारा है यहाँ से। अब आप इमेजिन करो कि सुबह और शाम के समय कितना शानदार व्यू आने वाला है यहाँ से। बाकी यहाँ पे एसी की तो जरूरत ही नहीं है भाई, यहाँ पे पानी ही ठंडा रहता है। मतलब एक पानी की बॉटल खरीद के रख लो, वो शाम तक रात तक जिंदगी भर ठंडी रहेगी। खैर अभी अपन लोगों को वैसी ठंड नहीं लग रही, दोपहर में थोड़ी सी गर्मी हो जाती है। हाँ नो डाउट केदारनाथ में थोड़ा सा ज्यादा ठंडा माहौल है, वहाँ पे ऐसा है कि माहौल कभी भी चेंज हो जाता है। अभी फिलहाल हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि आज मैं यहाँ रुकूंगा। केदार वैली रिजॉर्ट से गुप्त काशी है अराउंड 7 किलोमीटर। कल हम जाने वाले हैं चोपटा, और चोपटा में काफी ज्यादा एंजॉयमेंट करने वाले हैं। आप लोगों को पता है आपका काम क्या है, कि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन हिट कर दो, फक्र से बोलो आई एम मैट, और ट्यून इन रहो चैनल पे, बाकी अपने दोस्तों के से भी करवा दो। मतलब मोबाइल छीन छीन के हाथ से सब्सक्राइब करो, जितना हो सके आगे बढ़ाओ, सो दैट मैं आगे बढ़ूं और आप लोगों के लिए रेगुलर व्लॉग्स लाऊं। आप लोगों को रूम टूर करा देता हूं। रूम कैसा है मेरा? काफी खूबसूरत, बाहर का नजारा देख लिया आपने, और रूम के अंदर का नजारा देख लो कुछ इस तरीके का है। यहाँ पे बेड है जो मैंने बिखेर दिया है, सब चार्ज पे लगा दिया मैंने, क्योंकि लाइट्स की थोड़ी प्रॉब्लम रहती है उत्तराखंड में। यहाँ पे अपना सारी चीजें रखी हुई है, लगेज वगैरह। तो भैया ऐसा है, नहा धो के हो गए अपन रेडी, और बिरयानी मंगा ली थी अपन ने। रूम के अंदर बैठने की इच्छा बिल्कुल नहीं थी, तो मैंने बोला भाई बाहर आके खाएंगे बिरयानी। अब आप यहाँ से व्यू देखो और बिरयानी देखो, क्या मस्त एंजॉय करने वाले अपन। बादल गरज रहे हैं, हल्की हल्की सी बारिश जैसा लग रहा है, बढ़िया माहौल हो रहा है भाई, मजा आ गया। आज है डे टू, अभी हम लोग यहीं रुके हुए थे। कल हमने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ कपड़े वगैरह धोए, थक गया था, पैर दर्द दे रहे थे, तो मैंने सोचा कि चल थोड़ा सा रेस्ट लिया जाए। अभी फिलहाल सुबह की शुरुआत हो रही है हमारी चाय के साथ। फिलहाल एडिटिंग चल रही है व्लॉग की, थोड़ी बहुत और एडिटिंग बची हुई है, टाइम ही नहीं मिल रहा था, कंटिन्यू राइड कर रहा था। अगर आप यहाँ केदार वैली रिजॉर्ट में रुकते हो तो आपको एक फायदा जरूर है कि यहाँ से चोपटा भी पास में है, इनकी प्रॉपर्टी चोपटा में भी है, तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हो चोपटा के लिए, वहाँ पे आप विजिट कर सकते हो। तुंगनाथ जी, इनकी प्रॉपर्टी केदारनाथ में भी है, ये मुझे बाद में पता चला। सो गाइस फाइनली नहाने के बाद हो गए हम लोग रेडी, और अब हम लोग जाने वाले हैं गुप्त काशी। अभी काफी खूबसूरत मौसम हो रहा है, थोड़ी सी धूप निकल रही है लेकिन हवा भी चल रही है ठंडी ठंडी। फिलहाल बज गए दोपहर के 1, अराउंड 7 या 8 किलोमीटर दूर है यहाँ से। इंटरनेट कनेक्शन बहुत वीक है यहाँ पे, सिर्फ एयरटेल का चल रहा है और उसमें भी बहुत प्रॉब्लम आ रही है। जियो तो चल ही नहीं रहा है, मेरे पास जियो एयरटेल नहीं है, एयरटेल मैंने स्विच करा लिया। अब मुझे ऐसा लगता है कि मैंने क्यों कराया, यहाँ आने के 1 महीने पहले मैंने BSNL से एयरटेल करा लिया था। चलिए खैर ठीक है, नो इश्यूज। तो अब जाते हैं, बजूका को रोल करते हैं और आगे निकलते हैं राइड पे। फाइनली हम लोग निकल गए हैं, 1:30 बज गए हैं अभी फिलहाल। राइडिंग जैकेट पहनी, सारी चीजें करी, उसके बाद थोड़ा सा समय लग जाता है लेकिन मजा बहुत आता है भाई। मेरा तो मन ही नहीं हो रहा उत्तराखंड से वापस जाने का, सच बता रहा हूँ। मैं 10 दिन से यहीं हूँ और अभी मेरा मन लग रहा है कि यहीं रहो भाई, क्या गर्मी हो रही है बाहर, मतलब 45 डिग्री, और यहाँ देखो मौसम एक नंबर। थोड़ा सा गर्मी हो जाती है दोपहर में यहाँ, लेकिन शाम तक माहौल चेंज हो जाता है। नेट चलने लग गया काफी अच्छा, हमारा वीडियो अपलोड हो जाए इसलिए हम रुक जाते हैं। देखो 77 MB हो गया, 2 MB था अभी, काफी घंटों से लगा हुआ था अपलोड, एटलीस्ट कुछ तो डले मेरा यूट्यूब पे। अब जाके वीडियो अपलोड हुई है हमारी, और समय हो गया है 3:13 यानी 1.5-2 घंटे से हम लोग यही बैठे हुए हैं, कुछ नहीं किया भाई मैंने, यहाँ बैठा हुआ हूँ बस देख रहा हूँ। और एक और चीज है कि वीडियो अपलोड हो रही है तो इंस्टाग्राम भी ढंग से नहीं चल रहा। चलो एनीवेज अपन यहाँ से अब जा रहे हैं आगे, सो लेट्स रोल बाज़ूका। Hey.
यहाँ का गुप्तकाशी जाते समय का। और स्पोर्ट्स बाइक पे तो स्पेशली ज़्यादा ही प्रॉब्लम आती है, लेकिन धीरे चलो, सबसे बड़ी की यही है। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है काफ़ी ज़्यादा, तो ख़राब रोड हो रही है। नीचे का व्यू देखो भाई साहब, चलो भाई लोगों को आ जान दो। यहाँ पे थोड़ा सा यही है कि वेट कर लो, अगर ज़िंदगी से प्यार है तो। ये देखो इतनी सकरी है, निकलने को निकल जाए अपन, लेकिन भाई वो रिस्की काम है। सही दिख रहा है, ओहो हो, लेकिन बाजूका से ज्यादा आवाज करता है यार ये। इसके पंखे लगा लेंगे अपन, बाजूका उड़ने लगेगी फिर। देखो कैसे कैसे ख्याल आते हैं मुझे, ऊट पटांग ख्याल चलते रहते हैं मेरे मन में। मतलब वो जो बच्चे होते हैं ना, जो सोचते हैं कि क्लासरूम का पंखा घूम रहा है तो किसी पे गिर गया तो क्या होगा, वो मैं ही हूँ, मैं वही बच्चा हूँ, ऐसी ऊट पटांग चीजें सोचता रहता हूँ मैं। एवरेज भी कम मिलता है और ट्रैवल करने में टाइम भी लगता है, तो कल हम जो चोपटा निकलेंगे तो हम लोग थोड़ा जल्दी निकल जाएंगे, सो दैट हम जल्दी पहुंच जाएं। उत्तराखंड का दूसरा नाम देवभूमि है, तो आपको पता होगा कि टेंपल्स ही टेंपल्स हैं यहाँ पे, एक से बढ़ के एक खूबसूरत नज़ारे और एक से बढ़ के एक खूबसूरत मंदिर। व्यू देखो भाई, खतरनाक व्यू। और देखो बारिश के टाइम पे कीचड़ वीचड़ यहीं से बनता है, चट्टान नहीं है ये पहाड़ मिट्टी के बने हुए, ज़्यादातर मिट्टी है ये देखो, तो ये इसलिए लैंडस्लाइड का कारण बन जाते हैं ये। ये हम आ गए गुप्तकाशी। ये मंदिर किस साइड है गुप्तकाशी, यहाँ से ऊपर। हम लोग आ गए हैं गुप्तकाशी, बाइक पार्क कर दी है और यहाँ से अब हम लोग वॉक करके जा रहे हैं। नीचे का व्यू देखो भाई, मौसम बढ़िया हो रहा है लेकिन ऐसा लग रहा है जल्दी बारिश आने वाली है, कल भी इसी समय बारिश हुई थी। यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे है और गुप्तकाशी का मार्ग काफी गुप्त है। मैंने सोचा कि राइड तो करना ही है थोड़ा बहुत, तो राइडिंग जैकेट वगैरह पहन के निकलो, लेकिन मेरा डिसीजन शायद गलत था, बहुत ज्यादा भारी हो जाता है। मुझे लगा कि मंदिर तक गाड़ी जाएगी, थोड़ा सा टफ हो रहा है अब, पर ठीक है चलता है, इतने किलोमीटर चल रही है तो थोड़ा और सही। इसके बाद चोपटा में भी हमें ट्रैकिंग करनी पड़ेगी, बहुत मजा आने वाला है भाई इस राइड पे। अब मैं खुद भी इंजॉय कर रहा हूँ ये कि वापस भोपाल जाएंगे जब तक बारिश चालू हो जाएगी तो अच्छा लगेगा, क्योंकि अपन ने पूरी गर्मियां यहाँ काट देना है। मेरे साथ ये देखो कौन है, छोटी सी बच्ची। क्या नाम है आपका? अवंतिका। बात नहीं करती क्या? क्यों नहीं करती, ज्यादा बात नहीं करती। सही है, आप लोग कहाँ जा रहे हो? हम इसको ट्यूशन, फिर मैं भी कंप्यूटर क्लास कर रही हूँ तो वहीं जा रही हूँ। अरे वाह। सही है, ये आ गया आपका विश्वनाथ मंदिर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अरे ये तो हमारा फर्स्ट था, आप हमारे गांव आए, बहुत बहुत बढ़िया, यहाँ से आइए। धन्यवाद। उस साइड जो गाय के मुंह से गिर रही हैं वो गंगा जी हैं और ये यमुना जी हैं। ये कितना कूल है कि मतलब दो अलग नदियां यहाँ पे एक साथ आपको देखने को मिल जाएगी। ये 5000 साल पुराना मंदिर है और गुप्तकाशी इसलिए कहते हैं क्योंकि शंकर जी और पार्वती जी ने यहाँ पे तपस्या की थी, गुप्त हो गए थे वो। पांडवों को मुक्ति चाहिए थी, अपने पापों का पश्चाताप करना था, तो वो शंकर जी के दर्शन के लिए बहुत जगह भटके लेकिन वो कहीं नहीं मिले। उसके बाद पांडव यहाँ पे आए और यहाँ पे दर्शन देने के लिए इच्छा करी, लेकिन पार्वती जी ने कहा कि शंकर जी आपको दर्शन नहीं देना चाहते क्योंकि आप लोगों ने पाप किया है, आपने अपने भाइयों को मारा, अपने अपने गुरु को मारा है। उसके बाद शंकर जी भैंसे का रूप धारण करके यहाँ से चले आते हैं, हजारों भैंसे वहाँ पे प्रकट हो जाते हैं। भीम अपने पैर फैलाते हैं और वो बोलते हैं कि जितनी भी भैंसे हैं इनको आप हाको, असली भैंसे हैं वो मेरे पैर के नीचे से निकल जाएगी, लेकिन जो शंकर जी होंगे वो नहीं निकलेंगे। इसलिए जो भैंस रहती है वो वहाँ से चली जाती है उनके पैर के नीचे से। शंकर जी जो भैंसे के रूप में रहते हैं वो पृथ्वी पहाड़ के नीचे पृथ्वी में घुस जाते हैं, तो भीम उन्हें पकड़ लेते हैं। तो जो शंकर जी की पीठ रहती है यानी भैंसे की जो पीठ रहती है वो आप लोगों को ऊपर देखने को मिल जाएगी केदारनाथ में, और जो मुख रहता है भैंसे का वो जाता है पशुपतिनाथ नेपाल में, जो कि काफी भव्य मंदिर है। तो ये इस तरीके की एक कहानी है। देखो मानो तो गंगा है नहीं तो बहता पानी है, तो मेरे हिसाब से जितने भी हिंदू हैं उन लोगों को मानना चाहिए, जितनी भी हमारी पौराणिक कथा है उन लोगों को पता होना चाहिए। बाकी आप लोगों को डेफिनेटली यहाँ आना चाहिए, इस मंदिर के दर्शन करने चाहिए।
काशी को केदारनाथ जी की यात्रा में काफी इंपॉर्टेंस दी गई है। इस मंदिर का नाम काशी विश्वनाथ मंदिर है, जिसका निर्माण पांडवों ने करवाया था और यहाँ पे शंकर जी ने उन्हें अर्ध नारेश्वर रूप में दर्शन दिए थे, इसलिए यहाँ पे दो मंदिर बने हुए हैं, एक शंकर जी का और एक यहाँ पे अर्ध नारेश्वर जी का मंदिर बना गया है। तो यहाँ पे आने के बाद बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत सुकून भरी जगह है, बहुत पीसफुल है और डेफिनेटली महादेव तो फिर उनकी बात ही अलग है। अभी मैं कुछ देर और बैठूंगा यहाँ और उसके बाद फिर हम लोग वापस अपने होटल की तरफ जाएंगे। फाइनली हमारे दर्शन हो गए पूरे और हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आराम से हम बैठे, हमने पूजा की क्योंकि मैं वैसे ही अभी राइड पे रहता हूँ तो पूजा नहीं कर पाता, जैसे ही मंदिर जाते हैं वहाँ पूजा कर लेते हैं अपन, क्योंकि होटल में थोड़ी ना पूजा पाठ हो पाती, तो पूजा के बिना थोड़ा जीवन अधूरा सा लगने लगता है। मेरे रिजॉर्ट से जो व्यू है भाई वो तो बहुत ही नेक्स्ट लेवल का है, अमेजिंग व्यू है। सर्विस बहुत अच्छी लगी मुझे इन लोगों की, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके आप इन लोगों को फॉलो कर सकते हो या फिर बुकिंग के लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मौसम में बाइक चलाने का जो आनंद है ना भाई, काफी ज्यादा सही लगता है। पहाड़ों में बस थोड़ा सा सतर्क लेके चलो, लेकिन एंजॉय फुल करो भाई, अलग ही मजा है यहाँ का। एक टेंट खरीद लेते हैं क्योंकि यार कहीं पे भी आप कैंपिंग वगैरह और ये सब करेंगे तो जरूरत तो पड़ेगी, और अब ट्रैकिंग का चस्का चढ़ रहा है भाई तो ट्रैकिंग की वो स्टिक जो आती है वो भी खरीदना पड़ेगा। ट्रैफिक काफी ज्यादा हो गया है, हर जगह गाड़ियां ही गाड़ियां नजर आ रही है, बहुत धीमे चलना पड़ रहा है हमें, काफी ज्यादा लंबा जाम है यहाँ। दो बसेस एक दूसरे के आजू बाजू लग गई हैं। ओह लुक एट दैट, काफी क्लोज कॉल है वहां पे, इतनी सी खिड़की बची हुई है, ये है हैवी ड्राइवर। अपन हट जाते हैं भाई, टोचन लगा दे, क्या मतलब है, निकल जाएगी कि आगे लूँ और हैं, थोड़ा आगे ले लेते हैं यहाँ, धीरे से टोचन दे दी, पता चला अंकल ने, चलते फिरते। अब ऐसे में सोचो बारिश आ जाए तो इंसान फंस जाएगा, यही थोड़ा सा पहाड़ों में दिक्कत आती है जिसके कारण डर लगता है। सोलो राइडर्स के लिए तो फिर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। ये देखो बारिश का नाम लिया, छींटे गिरना चालू हो गए, बूंद गिरी है, बूंद गिरी। थैंक यू भाई, थैंक यू वाह भाई वाह। ये रहा हमारा होटल केदार वैली रिजॉर्ट। सो धीरे धीरे हौले हौले से चल देते हैं। ये क्या हुआ मुझे भाई, थोड़ा सा घबराहट होती है भाई ऐसे, बाइक भी भारी है ना यार, इसलिए थोड़ा सा डर लगता है।